गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग उसके निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, या आई वी दे तथा यू और प्लूरल नाउन। इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। पहला है लड़का नहीं पढ़ाया गया था, तो इस वाक्य के अंत में आ गया था आया हुआ है और उसमें नहीं भी लगा हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। लड़का, लड़का का होगा बॉय, तो बॉय के बाद जो है हैड नॉट बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना का टीच होता है, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, तो अ बॉय हैड नॉट बीन टॉट। दूसरा है खेत नहीं जोते गए थे, इस वाक्य के अंत में ए गए थे आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। खेत का, खेत बहुत से खेत हैं, तो फील्ड्स, इसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जोतना का होता है प्लो, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लोड, तो द फील्ड्स हैड नॉट बीन प्लोड। तीसरा है गायें नहीं खरीदी गई थी, तो इस वाक्य के अंत में ई गई थी आया हुआ है और उसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस होगा। तो गायें, बहुत सी गायें हैं, तो काउज हो जाएगा, काउज हैड नॉट बीन। खरीदना को होता है परचेस, परचेस का थर्ड फॉर्म होगा परचेस्ड, तो इसका हो जाएगा काउज हैड नॉट बीन परचेस्ड। चौथा है कुर्सियां नहीं तोड़ी गई थी, तो इस वाक्य के अंत में ई गई थी आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। कुर्सियां बहुत सी हैं, तो चेयर्स हैड, उसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा, फिर तोड़ना का ब्रेक होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो चेयर्स हैड नॉट बीन ब्रोकन। पाँचवा है मैच नहीं खेला जा चुका था, इस वाक्य के अंत में आ जा चुका था आया हुआ है और उसमें नहीं भी आया हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस होगा। मैच, मैच के बाद हैड नॉट बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, खेलना का प्ले होता है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, तो इसका बनेगा द मैच हैड नॉट बीन प्लेड। कपड़े नहीं धोए गए थे, इस वाक्य के अंत में ये गए थे आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। तो कपड़े, बहुत से कपड़े हैं, से कपड़े हैं, तो क्लॉथ्स, इसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, धोना का वॉश होता है, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगी, तो क्लॉथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड। सातवां है डॉक्टर को नहीं बुलाया गया था, इस वाक्य के अंत में आ गया था आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। डॉक्टर के बाद हैड नॉट बीन लगेगा और बुलाना का कॉल होता है, कॉल के थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, तो डॉक्टर हैड नॉट बीन कॉल्ड। आठवां है सड़कों की मरम्मत नहीं की गई थी, तो इस वाक्य के अंत में ई गई थी आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। सड़कों की, बहुत से सड़कें हैं, तो रोड्स हो जाएगा, इसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरम्मत करना का रिपेयर होता है, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगी, तो होगा रोड्स हैड नॉट बीन रिपेयर्ड। नौवां है घर नहीं बेचा गया था, तो इस वाक्य के अंत में आ गया था आया हुआ है, इसमें नहीं भी आया हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। घर का हो जाएगा हाउस, उसके बाद हैड नॉट बीन लगेगा,
बेचना का सेल होता है, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाए। तो द हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड, कमरा साफ नहीं किया गया था, इस वाक्य के अंत में आ गया था, आया हुआ है, उसमें नहीं भी आया हुआ। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस। तो कमरा का रूम होगा, रूम के बाद हैड नॉट बीन लगेगा, और साफ करना का क्लीन होता, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगी, द रूम हैड नॉट बीन क्लीन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब वाक्य क्या से आरंभ हो तब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, या आई बी दे यू तथा प्लूरल नाउन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हैड लगेगा, और इसके बाद बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो, इसके बाद क्वेश्चन साइन। एग्जाम्पल है, पहला, क्या मैच खेला जा चुका था, इस वाक्य के अंत में आ जा चुका था आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो मैच का होगा द मैच, तो सबसे पहले हैड उठ के आ जाएगा, तो हैड द मैच बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना का प्ले होता है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, तो हैड द मैच बीन प्लेड। दूसरा है, क्या गायें खिलाई जा चुकी थी, तो इस वाक्य के अंत में ई जा चुकी थी आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो गायें बहुत सी हैं तो काउज हो जाएगा, तो काउ के लिए हैड लगेगा, लेकिन इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए हैड को उठा के पहले कर देंगे। तो हैड काउज बीन, खिलाना का फीड होता है, फीड के थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगी, तो हैड काउज बीन फेड। क्या तुम लोग पढ़ाए जा चुके थे, इस वाक्य के अंत में ए जा चुके थे आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, और तुम लोगों का यू होगा, यू के साथ हैड लगेगा, तो हैड को उठा के पहले लिख देंगे, तो हैड यू बीन, और पढ़ाना का टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगी, तो हैड यू बीन टाट। चौथा है, क्या उसे सजा दी जा चुकी थी, तो इस वाक्य के अंत में ई जा चुकी थी आया हुआ, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो उसे का ही होता है, ही के साथ हैड लगता, तो चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए हैड को उठा के पहले कर देंगे, तो हैड ही बीन, और सजा देना का पनिश होता है, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगी, तो हैड ही बीन पनिश्ड। पांचवा है, क्या उसे आदेश दिया जा चुका था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा चुका था आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसे का ही होता है, ही के साथ हैड लगता, तो हैड चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो हैड को उठा के पहले कर दें, तो हैड ही बीन ऑर्डर्ड, आदेश देना का ऑर्डर होता है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड हो जाएगा, तो हैड ही बीन ऑर्डर्ड। छठा है, क्या उसे पीटा गया था, इस वाक्य के अंत में आ गया था आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे का ही होता है, और ही के साथ हैड लगता है, तो चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो हैड को उठा के पहले कर दें, तो हैड ही बीन, और पीटना का बीट होता है, बीट के थर्ड फॉर्म बीट बीट बीटन हो जाएगी, तो हैड ही बीन बीटेन। तो बच्चों आज ही तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तथा मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसका लिंक दे दिया है। धन्यवाद।